हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस मकर संक्रांति हम आपके लिए लेकर आए हैं होममेड डिलीशियस क्रंची गुड़ की सेव बनाने की विधि। तो चलिए इसे बनाना शुरू करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रुचि फ्रेश। मैं रुचि आपका अपने किचन में स्वागत करती हूँ। इसको बनाने के लिए यूज किया है 250 ग्राम बेसन, 300 ग्राम गुड़, थोड़ी सी सौंफ, 4 चम्मच घी। तो चलिए सबसे पहले बेसन को रेडी कर लेते हैं। एक बड़े बाउल में बेसन को डालिए। बेसन को पहले ही अच्छी तरीके से छान कर रखा हुआ है। आप भी बेसन को अच्छी तरीके से छान लीजिएगा, उसके बाद ही इसे बनाइएगा। अब इसमें ऐड कीजिए 4 से 5 चम्मच ये घी। जितना अच्छा आप घी डालेंगे उतना बढ़िया आपका ये क्रंची खस्तेदार बनेगा। घी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें डालिए थोड़ा थोड़ा पानी। इसे आटे की डो की तरह बनाइएगा। ये देखिए इस तरीके से, जैसे रोटी का आटा गूंथते हैं उसी तरीके से इसे गूंथिएगा। ये गूंथ कर रेडी हो गया। तो चलिए अब इसे हम मशीन से बनाने जा रहे हैं। तो इसे थोड़ा लंबा शेप दे देते हैं सिलेंडर के आकार का। फ्रेंड्स, हम ये 2 जाली का उपयोग किए हुए हैं इस मशीन से बनाएंगे। तो इसे सबसे पहले घी से ग्रीस कर लीजिए अच्छी तरीके से। चारों तरफ ऑयल लगा देते हैं ताकि ये इसमें चिपके नहीं। ये देखिए इस तरीके से हमने इसमें चारों तरफ घी लगा दिया है। इस जाली का उपयोग कर रहे हैं, इसे भी घी लगा दीजिए अच्छी तरीके से। चलिए अब इसमें सेट कर देते हैं और ये जो रखा हुआ है मिक्सचर इसको डाल दीजिए। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाकर कस के बंद कर देते हैं। टाइट बंद कीजिएगा ताकि ये खुले नहीं बनाते वक्त। ये इसमें लगा दिए। चलिए अब इंडक्शन ऑन करके घी गर्म कर लीजिए। ऑयल डालते हैं। ये देखिए घी अच्छी तरीके से गर्म हो गई है। ये ऊपर आ गए हैं थोड़े से सेव, तो अब इसे निकाल लीजिए और अब फटाफट इसमें सेव डाल दीजिए मशीन से। ये देखिए इस तरीके से घुमाते हुए मोटे मोटे सेव निकल देंगे। मार्केट में जो सेव आते हैं वो मोटे मोटे रहते हैं, तो हमने इसे मोटी जाली लगाया हुआ था ताकि ये मोटे मोटे बने। दोस्तों, ये बहुत ही जल्दी बनकर रेडी भी हो जाता है, बहुत ही खस्तेदार जालीदार बनता है। हमने जो विधि बताई हुई है इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका भी बहुत ही डिलीशियस बनेगा। चलिए अब इसे पलट दीजिए। फ्लेम लो टू मीडियम रखिएगा, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो। जब ये हल्के गोल्डन हो जाए तब इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट लगते हैं इसे बनाने में। ये हो चुके हैं, चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। ये देख पा रहे हैं कितने अच्छे तरीके से बने हुए हैं। सभी को निकाल लिया है। चलिए इसी तरीके से बाकी सभी को बना लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें जाली पड़ी हुई है, ये हमने और भी डालकर निकाल लिया है। फ्रेंड्स, हम 2 तरीका बता रहे हैं इसमें। ये पहला तरीका था, अब दूसरा तरीका है हाथ से। अगर आपके पास, ये देखिए हमने इसे हाथ से बनाए हुए, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप इसे इजीली हाथ से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा डो लीजिए और हाथ में घी लगाकर इसे पतला पतला मोटा मोटा बना लीजिए इस तरीके से। ये भी उसी तरीके से खस्ता क्रंची बनेगा। ये हमने जो बना कर रखा हुआ था पहले उसे डाल दे रहे हैं, देख पा रहे हैं। सभी को डालकर तल लेते हैं। ये कुछ और आपको बनाकर दिखा रहे हैं। थोड़ा सा डो लीजिए और इस तरीके से पतला पतला कर लीजिए। ये हो गए। ये देखिए फ्रेंड्स, फटाफट भी ये भी बन जाते हैं। ये दूसरा तरीका है अगर आपके पास मशीन नहीं है, और अगर मशीन है तो इजली आप बना लोगे। तो इसे भी बनने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। लो फ्लेम पर बनाएंगे, लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे। ये देखिए ये फट जाए तो समझ लीजिए ये हो चुके हैं। ये देखिए हल्के हल्के क्रैक हो चुके हैं, यानी अच्छी तरीके से अंदर से जालीदार बन चुके हैं। चलिए इसे निकाल लेते हैं। अब दूसरा पैन चढ़ाइए
ये देख लीजिए फ्रेंड्स, सही बना है। अब इस पैन में गुड़ डालते हैं और आधा कप पानी डालते हैं। इसे मेल्ट करना है। एक बड़ी थाली को घी से ग्रीस करके एक साइड रख लीजिए। इसी पर इसको फैलाना है। ये अच्छी तरीके से घी से ग्रीस कर लिया थाली को। सेव के थोड़े छोटे टुकड़े कर लेते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े हैं। ये देखिए कितना क्रंची बना है, कितनी आसानी से ये टूट रहा है। ये देखिए इसकी जाली देख पा रहे हैं, एकदम जाली नुमा बना हुआ है अंदर से, खस्ता क्रंची, एकदम परफेक्ट बना है। चलिए अब गुड़ में लगभग 2-4 तार की चाशनी आने देते हैं। ये देखिए गुड़ अच्छी तरीके से पक गया है, चेक कर लीजिए। ये देखिए तार बन रहे हैं। चलिए अब फ्लेम बंद कर देते हैं। ये पक चुके हैं अच्छी तरीके से। अब इसमें सारा सेव डाल देते हैं और ऊपर नीचे अच्छी तरीके से इसमें लगा देते हैं। इसे 3-4 मिनट तक चलाइए, जब तक कि ये ठंडा ना हो जाए। इसमें धीरे धीरे तार बनने लगेंगे, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। इसे कंटिन्यूसली चलाएंगे ताकि सभी में गुड़ अच्छी तरीके से लग जाए। ये देख पा रहे हैं इस तरीके से सभी में गुड़ लग गए हैं। फिर भी इसे लगातार आपको चलाना है, 3-4 मिनट तक कंटिन्यूसली ये प्रोसेस करना है आपको। इस तरीके से करते करते ये ठंडे हो जाएंगे तो एकदम कड़क हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, चलिए अब इसे थाली में फैला लेते हैं। इन सबको अलग अलग आपको फैलाना है। अब हाथ में घी लगाकर, अगर ये हल्की गर्म है तो हाथ से भी कर सकते हैं, और अगर जल रहे हो तो आप इसे चम्मच की सहायता से अलग अलग कर लीजिए। तो ये देखिए हम चम्मच की सहायता से इसे थोड़ा अलग अलग कर दे रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोगों को सौंफ पसंद होता है तो हम थोड़े में सौंफ भी ऐड कर देते हैं। हम सौंफ ऊपर से लगा रहे हैं, और कुछ लोग बेसन में भी डाल देते हैं, और कुछ लोग गुड़ में भी डालते हैं। तो हम थोड़े से सेव में ये सौंफ अप्लाई कर रहे हैं इसमें। ये देखिए ये चिपक जाएंगे। आधा घंटा रख दीजिए अब इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सूख चुके हैं। चलिए अब इसे सर्व करते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना खस्ता क्रंची बना है। खाने में तो बहुत ही डिलीशियस, आप इसे इजीली घर में बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा ये डिलीशियस होममेड गुड़ का सेव बनकर रेडी है। हम हर सैटरडे आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आते हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सर्च कीजिए। अगर आपको हमारा रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बने रहिए हमारे साथ। हैप्पी मकर संक्रांति ऑल ऑफ यू।